हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर 2, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कंटिन्यूड। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ये दो प्रकार से होती हैं। पहला है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, दूसरा है बिना दशमलव की संख्या। तो बिना दशमलव की संख्याएं का अध्ययन करने के लिए, नॉन डेसिमल नंबर का अध्ययन करने के लिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा खींचते हैं जिसमें जीरो मिडिल होता है। मिडिल में 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड -1, -2, -3। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस नंबर लाइन की एक खासियत है कि जो संख्या जितने दाएं हैं, मतलब इस तरफ है, राइट साइड है, वो उतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब हम यहाँ लगा सकते हैं ये इस तरह की चीज़, या फिर यहाँ पे ये -1, -2 से दाएं साइड है, इसलिए -2 छोटा होगा लेफ्ट साइड वाला एंड -1 बड़ा होगा। -1 छोटा होगा, इट इज़ लेस देन 0, ये हो सकता है। यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, मतलब हम पूरी नंबर लाइन को इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो अब नंबर लाइन में सबसे पहले हम आते हैं बिना दशमलव की संख्याओं में। कुछ और कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, इसे हम डिनोट करते हैं एन से। और इसके सेट में, अगर हम इसे एक सेट माने, तो इसके सेट में एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इसे बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय के अवयव। 1, 2, 3, 4 मतलब जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, वो हैं नेचुरल नंबर। इन्हें नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है, या तो वह 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। जैसे अगर आपके पास कुछ जानवर हैं, मान लो बकरियां हैं, गोट्स, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 2 बकरियां हैं, 3 हैं, 4 हैं। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास 4.5 गोट्स हैं, या मतलब 4.5 बकरियां हैं। ये इसमें नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में 4.5 बकरियां नहीं होती हैं। और ये कहां तक होता है? 1 से लेकर के अनंत तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक। अब हम आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर से ही मिलता जुलता एक और है, इसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इज नथिंग मोर देन, दिस इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, दिस इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड इट कंटेन्स नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आल्सो। ये होल नंबर का सेट हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमने केवल 0 ऐड किया है बस। अब हम आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होती हैं? देखिए, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। दोनों में थोड़ा शब्दों में समानता जरूर है हिंदी मीडियम में, बट इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर एक बड़ा सेट है, मतलब बिना डेसिमल की जितनी भी नंबर्स हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी तक है। तो इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इन सब में हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं, इन सब का फैक्टर केवल और केवल 1 है, या तो इटसेल्फ, यही है। जैसे अगर हम 7 की बात करें, तो इसको हम और कितना तोड़ सकते हैं? 1 × 7, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका केवल 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ यही हो, मीन्स द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 इज लीस्ट प्राइम नंबर। तो कई बार यह पूछा गया है, लोग इस पर अक्सर 1 टिक करते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पर। को प्राइम नंबर्स पर आते हैं, को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जिनके मध्य में
टू प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनके मध्य में केवल एक कॉमन होता है, अर्थात जैसे 10 एंड 13, इसके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है। अगर हम इसे देखें तो 10 इज्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 5 एंड 13 इज्वल टू 1 इंटू 13। तो को प्राइम का मतलब है ये आपस में सहभाज्य संख्या है 10 और 13, क्योंकि इनके और इनके बीच में केवल 1 ही कॉमन है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। इसे ही हम इसका HCF बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स वो को प्राइम होंगे अगर उनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक कितना हो, 1, तो हो जाएंगी को प्राइम नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अर्थात जिसके वन एंड इटसेल्फ के अलावा, मतलब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 12, तो इसका तो एक फैक्टर हुआ 1, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब बोल सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 1 और इसके अलावा और भी प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब देखिए 3 इज प्राइम 2 इज प्राइम 2 इज प्राइम, इसके कई प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो जिनके कई प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाउ इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। इवन वेरी इजी, यू नो दैट आई थिंक। इवन मींस विच इज डिविजिबल बाय 2, इजी जैसे ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाज्य हो, ये तो बहुत सरल है, 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। एंड द ऑड नंबर, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से अविभाज्य, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इट इज। सो फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग वेन डायग्राम ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का वेन आरेख। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर लाइन की चीज को हमने लिया है 0, उसके इस साइड 1, 2, 3 इनफाइनाइट, इसके इस साइड माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफिनिटी यहाँ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ ये वाला सेट, ये जो हमारा होता है ये +1, +2, +3, +2 इनफाइनाइट, ये जो हुआ, ये हुआ हमारा दो चीजें का सेट। एक तो हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, या इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यहीं बीच में मैं लिख दे रहा हूँ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी चीज है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर इनमें हम 0 को और ऐड कर दें, यानी केवल 0 को और ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में, ये नेचुरल नंबर्स हुए, इनमें हम 0 को और मिला लें, तो ये जो हमारा बनता है 0 के साथ, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। यहाँ लिख रहा हूँ होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड में देखें 0 के, तो ये नंबर्स आते हैं, ये -1, -2, -3, up to -infinity, इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक, ध्यान से देखिए ये सारी बिना दशमलव की संख्याएं हैं, और हमने आपको पहले ही बता दिया जितनी भी बिना दशमलव की संख्याएं हैं वे क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स। तो इन सबको कलेक्टिवली ये हम ग्रीन घेरे से दिखा दिए हैं, ग्रीन घेरे से
इन सबको पूरे को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसे हम पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सेट हुआ पूर्णांक का, उसके नीचे आता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर में है लाई करता है नेचुरल नंबर, और इन सबसे अलग है ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स का सेट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और जो भी सुझाव हो उन्हें हमें बताएं ताकि हम अपने आप को और आपके अनुसार और सुधार सकें। थैंक यू एवरीवन।